हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे। आज हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे और प्रीवियस लेक्चर जो है, अगर आपको देखना है उसका सब्सक्रिप्शन में जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जिसने भी इसको नहीं देखा तो वो देख सकते हैं वहाँ पर। इसमें हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी सर्कल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, सर्कल इंटर मैथमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो यहाँ पर 2 किस्म की हैं। नंबर ए है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन। नंबर 2 पे है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। 2 किस्म के हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। पहले बच्चों, अब हमें पता है कि ये सेंटर और ये वेरिएबल पॉइंट है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स उस दिन हम लिखे थे a, b, और वेरिएबल पॉइंट्स या मूविंग पॉइंट के x, y। और हमें ये भी पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, तो ये आर हमारे पास रेडियस। जैसा कि हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस, तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस मींस ओ से पी तक का डिस्टेंस जो कि है आर। अब ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड वाई माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर। जैसे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। अब ये यूज क्यों कर रहे हैं, जब आपको क्या हो, गिवन हो सेंटर और जब आपको गिवन हो रेडियस, तभी आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। मतलब आपसे अगर सवाल पूछा जा रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो आपको जारी बात है सेंटर और रेडियस गिवन होगा, तभी आप यहां वैल्यू पुट करेंगे। ए और बी जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। अब ये जो एक सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है। मीन सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है, सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है, सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मीन्स इसका जो सेंटर है वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट या किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, ठीक है। इसी का सेकेंड फॉर्मेट है कि अगर इफ सेंटर OA एट ओरिजन, अब क्योंकि 0, 0 कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन, जहां x एक्सिस पे क्या होता है, x एक्सिस और y एक्सिस जो है दोनों 0 हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है ये x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y, ठीक है। तो अगर a भी क्या हो जाए 0, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्योंकि a और b दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। याद है, क्लियर है प्यारे बच्चों, ये 2 इक्वेशंस हो गई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब ये कब यूज करनी है, जब सर्कल कहीं पर भी हो। ये इक्वेशन कब यूज करनी, जब सर्कल जो है वो जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, मतलब ये हो, ये है सेंटर, ठीक है। तो रेडियस इसका ये होगा, ये 0, 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये कब यूज करनी है, जब आपको बोले कि भाई सेंटर 0, 0 है और रेडियस कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो ये दोनों कंडीशन में इक्वेशन यूज करनी है। कंडीशन क्या है कि गिवन सेंटर होगा और गिवन होगा रेडियस, तभी यूज करनी है। अब ये इक्वेशन कब यूज करनी है, जब सर्कल कहीं पर भी हो, और ये सर्कल कभी या इक्वेशन कब यूज करनी है, जब सर्कल कहाँ हो, सेंटर 0, 0 पर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जनरल इक्वेशन, नंबर बी है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है प्यार बच्चों, अब देखिए यही इक्वेशन हम उठाते हैं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या किया है, रिप्लेसमेंट की है यहां पर, इन्होंने माइनस टू ए को लिखा है जी, ठीक है माइनस टू ए को जी लिखा है, देन माइनस टू बी जो है वो एफ हो गया, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ए जो है, यहां पर इन्होंने रिप्लेसमेंट जो की है, आप अगर माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो ले लें, इजिकल टू जी ले लें, या माइनस टू एफ इजिकल एफ ले लें, या ये, अब इसमें अगर आप ऐसा भी लिखते तो कोई इशू नहीं था कि माइनस टू इजिकल टू जी, या आप सिंपल लिखे कि भाई माइनस जो है वो ए लिया है, उन्होंने क्या लिया है जी लिया है, या माइनस बी जो है वो एफ ले लिया है उन्होंने, ठीक है माइनस बी जो है ऑफ ले लिया एफ ले लिया, तो इस तरह भी आप समझ ले तो ईजी हो जाएगा आपके लिए कि माइनस ए जो है वो जी है, माइनस जो यहाँ बी लिया है वो एफ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इजिकल टू सी है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर कि ए जो है वो माइनस जी हो जाएगा, और यहाँ अगर हम बोलें कि बी जो है वो माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी है। ठीक है, अगर हम इसको ये करें कि माइनस जो है वहाँ चला जाए आर स्क्वायर, और ये हो जाए सी इधर आ जाएगा। ठीक है, देखें इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, यहाँ ये बोले कि आर इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब देखें अब इक्वेशन में क्या फर्क आ गया, यहाँ पर इक्वेशन हो गई अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्योंकि यहाँ माइनस ए की जगह क्या लिखा है जी, तो ये क्या हो जाएगा टू जी एक्स, और माइनस बी की जगह क्या आ गया एफ, तो ये हो जाएगा टू एफ वाई प्लस इस पूरी की जगह पे हमने लिखा है क्या सी, तो ये आ गया सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को उन्होंने मॉडिफाई करके हमें जनरल इक्वेशन गिवन करके दे दिए। अब ये क्यों यूज करनी है, या इसका क्या इशू था, अब यहां जो थी यहां सेंटर और रेडियस गिवन थे, जनरल इक्वेशन हमेशा हमें यूज करनी है जब आपसे सेंटर और रेडियस रिक्वायर्ड हो, इट मीन्स आपको जब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी तब आप रेडियस और सेंटर फाइंड करेंगे। अब जनरल इक्वेशन में सेंटर ऑफ रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर जो होगा हमें पता है कि प्रीवियस में सेंटर था ए कॉमा बी, ठीक है अभी ए जो है वो क्या है माइनस जी है, और बी क्या है वो माइनस एफ है। ठीक है, तो इसका मतलब जनरल इक्वेशन जब आपको दी होगी या इक्वेशन सर्कल गिवन होगी तो आप क्या करोगे माइनस जी और माइनस एफ फाइंड कर लोगे। ठीक है, नंबर टू पे अगर हम रेडियस ऑफ सर्कल देखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल तो देखिए यहां से हम आर फाइंड कर चुके हैं, यहां पर लिखा हुआ है, तो आर क्या है आर इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, अब चूंकि ए बी जो है वो जी और एफ है, तो माइनस जी का जब स्क्वायर आएगा आएगा तो वो प्लस जी हो जाएगा, और माइनस एफ का जब स्क्वायर आएगा तो वो प्लस का एफ स्क्वायर और माइनस सी, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इसका मतलब है जब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन देखनी है तो उसमें सेंटर और रेडियस गिवन होगा, तो हम ये इक्वेशन यूज ये करेंगे, अगर सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है 0,0 तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, जनरल इक्वेशन तब यूज करनी है जब हमसे रिक्वायर्ड हो रेडियस एंड सेंटर, तो ये इक्वेशन गिवन होगी तो हम वहां से क्या कर लेंगे जी एंड एफ फाइंड कर लेंगे, मीन्स टू जी को बराबर रखेंगे जो भी गिवन कोफिशन होगा, और टू एफ को बराबर रख लेंगे जो भी गिवन कोफिशन होगा वाई का, और सी हमें क्या होगा गिवन होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमसे माइनस जी और माइनस एफ फाइंड हो जाएगा जो सेंटर होगा, और आर जो है वो भी फाइंड हम कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम मजीद, इसको देखते हैं सर्कल को पढ़ते हैं,
अब हम पढ़ेंगे कि सर्कल जो है डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या इक्वेशन देता है, और उसका हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। जो भी अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इंट्री की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जून जुलाई में स्टार्ट होंगे, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो रहा होगा और फ़ायदा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ सर्किल वैन वैन लाइन, या ये बोले कोड, कोड इज डायमीटर ऑफ सर्किल। अगर ये डायमीटर के दो पॉइंट्स हैं x2 एंड y2, इसको b पॉइंट बोल देते हैं, और ये a पॉइंट x1 एंड y1। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी वो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं, ये होगी फर्स्ट सिचुएशन, ए बोल देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सर्कल जो है इसका सेंटर 0,0 है और कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है वो है 3,4। ठीक है, अब जारी बात सेंटर जो है वो क्या है, 0,0 है। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक से भी इसको आनी चाहिए। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा वो देख लें। देखिए, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 4 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो ये 3 एंड 4, और हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रहा है, तो ये बेस और परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5। क्यों, 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरियन साइड्स हैं जो कि हमें पता है। हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा 5 होगा अगर परपेंडिकुलर या जो है बेस 3, 4 होंगे तो। तो इसका मतलब इसका रेडियस सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 5। तो इसका रेडियस क्या हो गया, 5। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको लिखोगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको जनरली इस तरह याद कर लें कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब 3 एंड 4 जो है वो पॉइंट की रकम आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ एक्स वाई लिखता हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो लिख लें, ये भी कोई इशू नहीं है कि भाई पॉइंट को आप एक्स वन लिख रहे हो उसका स्क्वायर और वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो रहा है, तो ये बेसिकली हमें क्या देगा, रेडियस दे देगा। अगर आप यहाँ स्क्वायर लिखते हो तो 3 का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और हो जाएगा 25। ठीक है, तो मीन्स रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन में हमारे क्या होता है, रेडियस आर स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो ये सीधे सीधा आपके जवाब आ जाएगा। तो मतलब ये कि अगर सर्कल इस तरह दिया होगा तो आपको सिंपली ये इक्वेशन याद करनी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा हमेशा। ठीक है, पॉइंट कहीं पर भी हो तो यही इसका जवाब होगा। फर्ज करते हैं कि पॉइंट यहाँ पर होती तभी ये होता, यहाँ पर होती तभी यही होता। ठीक है, नंबर सी कंडीशन, अगर सर्कल जो है एक्सिस को टच करे सेम डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर सर्कल अगर इन एक्सिस पे टच करे सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन है जो हम एज अ शॉर्टकट समझ रहे हैं, क्यों इंट्री वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, हम फर्ज करते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटर आएगा वो क्या होगा, देखें ये भी रेडियस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस और ये भी क्या है, रेडियस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इट मीन्स सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गए आर कॉमा आर, रेडियस कॉमा रेडियस। अब क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। अगर इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुई, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, यहां हम डिफरेंट पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू, टू जी एक्स होता है तो जी की जगह क्या आ जाएगा आर, ठीक है, तो टू आर एक्स माइनस टू एफ वाई होता है तो यहाँ आर आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब सी जो है वो क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या होता है आर होता है, तो यहाँ जो हम लिखेंगे सिंपल आर का स्क्वायर लिखेंगे, ये इसका शॉर्टकट है सिंपली आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो रेडियस दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। इसको आप भले सॉल्व करें जवाब यही आना है, ठीक है, टू आर एक्स माइनस टू आर एफ प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब रेडियस जो होता है हम अभी पढ़ चुके थे कि भाई जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी अभी हमने लिखा था कि रेडियस जो होता है वो क्या था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आप इसको आप सी फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लिखना है यहाँ सी, तो यहाँ सी क्या था हमारे पास, सी इज इक्वल टू था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारे पास सी, ठीक है। तो यहाँ जो आप लिखा है ये क्या है, बेसिकली सी है, तो आप करके देख लें कि जी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों आर सेम ही होते हैं, तो आर स्क्वायर कैंसिल जाएगा, सिंपल आर स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी प्यारे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स किसके आर एक्स के और वाई के पॉजिटिव होते हैं, तो अब इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव टू आर एक्स, और क्योंकि वाई पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा टू आर वाई हो जाएगा, क्यों हम लिखते हैं टू एफ एक्स और टू एफ वाई, ठीक है, और प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आर का स्क्वायर, क्यों आर स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये आर ही है सेम। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, क्या है नेगेटिव है मीन्स आर यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आर एक्स प्लस टू आर वाई प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये इसका जवाब आ जाएगा। नंबर थर्ड फोर्थ यहां पर, तो यहां क्या होगा आर माइनस आर, क्यों वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या है आर पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और वहां वाई नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा टू आर वाई एंड प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये चार किस्म के क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो आप यहाँ शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, वो एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, कोई भी एंट्री एग्जामिनेशन किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एक ध्यान में रखिएगा कंडीशन फॉर सर्किल, ये मेजर बात है, कंडीशन फॉर सर्किल, फॉर सर्किल, ठीक है, उसमें ये कि फर्स्ट पॉइंट कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, एक भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव वन, ठीक है। अगर पॉजिटिव वन नहीं है, कोई भी कोफिशियंट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जगह यहाँ टू लिखा है, यहाँ भी टू लिखा हुआ है, तो उसको आप डिवाइड कर लेंगे, अगर नेगेटिव भी लिखा है तो उसको भी नेगेटिव कोफिशियंट से डिवाइड करेंगे ताकि पॉजिटिव वन आ जाए और इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड नॉट बी जीरो, यहां ये बोलेंगे वैनिश, मीन्स आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को नहीं हटा सकते, अगर आपने एक्स स्क्वायर को रिमूव किया या वाई स्क्वायर को रिमूव किया तो फिर सर्कल नहीं बनेगा या सर्कल सर्कुलर फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है, वो फिर क्या बन जाएगा पेराबोला बन जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ एक्स वाई खत्म हो सकते हैं, आर या सी बोले वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा रहेगा, ठीक है। नंबर थर्ड कि कोफिशियंट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए इक्वल कोफिशियंट, हम ये अगर दूसरी बात लिखें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर,
ठीक है, शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अगर एक नेगेटिव हुआ दूसरा पॉजिटिव तो फिर क्या हो जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा वो, ठीक है। अगर एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ तो हाइपरबोला, मीन्स यहाँ कोफिशन जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना लेक्चर, और उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कोई भी इश्यू हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका ही है और हम बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और जहाँ भी रहें खुश रहें और पढ़ाई करते रहें अच्छी तरह, और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। गॉड ब्लेस यू।